issue of Government of Telangana on 12% reservation and Sudheer Committee report, and what Mr. Khaja has already told you, I don't want to really repeat it because everybody understands Telugu. I would like to touch some other things. I'll mix in English and Urdu just for your convenience. वो ये है कि देखिए मुस्लिम्स और SC ST BCs और बैकवर्ड और इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल इन इंडिया अक्रॉस सारी हिंदुस्तान की यही कहानी है कि जो पिछड़े हैं जो गरीब हैं जो 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 इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उन लोगों को जगह नहीं मिलती है सही जगह पर ना उनको जॉब्स मिलते हैं ना उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलता है ना उनको सोशल अपलिफ्टमेंट होता है ना उनको इज्जत मिलती है ना उनको जो है सरमाया मिलता है ये हमारे देश की बहुत बड़ी कहानी है और ये सदियों की कहानी है आज की कहानी नहीं है ये 5-7 हज़ार साल की कहानी है जिस कहानी से बाहर निकलने का देश में कोई प्रमाण नहीं दिया लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने यह सुधीर कमेटी को बिठाकर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया इस डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे प्रावधान हैं इसमें देर आर वेरी गुड यू नो रिकमेंडेशंस बीइंग मेड बाय सुधीर कमीशन एंड वो कमीशन के रिपोर्ट्स में जिसने जैसा अभी आपने कहा कि 4% रिजर्वेशन का जो पहले की गवर्नमेंट 2007 का था वो तो कंटिन्यू हो रहा है लेकिन उसके साथ साथ ये मालूम हुआ कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है नियरली 13-14% मुस्लिम पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट ये कहती है कि 82% ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ दिस स्टेट यहाँ के 82% लोग जो है वो डिसएडवांटेज है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं है उनका एजुकेशन नहीं है सिर्फ 18% मुसलमान ऐसे हैं जिनको जो है दे आर एबल टू स्टडी दे आर एबल टू डू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रो बट मेजर मुस्लिम पॉपुलेशन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन एंड वेरियस अदर कमीशन अर्लियर जैसे सच्चर कमीशन कुंडू कमीशन इसमें सारे एक्सेप्टेड है कि बैकवर्डनेस है वेरियस पैरामीटर्स में बैकवर्ड है तो इसमें ये जो पहल हो रही है उस पहल के साथ साथ हम तो ये कहेंगे ज़रूर कि जो रिकमेंडेशन प्राइम रिकमेंडेशन है सुधीर कमीशन का उस कमीशन को गवर्नमेंट जल्द से जल्द उसको लागू करें और इसमें धांधली ना करें प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान में कमीशन बहुत होते हैं हर थोड़ी देर को एक कमीशन बन जाता है लेकिन कमीशन का मतलब ये होता है कि उस रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जाना चाहिए सच्चर कमीशन बहुत के रिकमेंडेशंस थे बहुत सारे रिकमेंडेशंस आज तक फॉलो नहीं हुए तो इसमें जो प्लस पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं वो एक बात तो ख्वाजा साहब ने बहुत विस्तार से तेलुगु में बता दिया कि 12% कमीशन के रिकमेंडेशन और 9% वॉट एवर इस पर बहुत संजीदगी से गवर्नमेंट को चाहिए जब असेंबली में इस पर चर्चा होगी तो इस पर जो है ज़ोर से बात कर इसको अप्रूव कराना चाहिए बहुत वक्त की ज़रूरत है इसमें 5-6 नए चीज़ें हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग पढ़े हैं सुधीर कमीशन वो लोग जानते होंगे आई वुड लाइक टू हाईलाइट दो 7 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स में एक ख़ास बात है कि एट्रोसिटीज़ ऑन मुस्लिम यूथ कमीशन ने लिखा इसमें ये बताया कि भाई बेगुनाह मुसलमान बच्चों को और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होता है दलितों के साथ भी होता है वो अलग सब्जेक्ट है हम यह कहेंगे मुसलमानों के साथ सुधीर कमीशन ने कहा है कि मुसलमान बच्चों के साथ गैर जिम्मेदार तरीके से उनको किसी ऐसे केसों में फंसा देना जिसमें कोई उनका जो एविडेंस नहीं है उस पर कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को सेंट्रसाइज करे कि वो उस किस्म से बगैर एविडेंस के किसी बेगुनाह बच्चों को मुसलमानों को सताना नहीं चाहिए उनको इम्प्लीट नहीं करना चाहिए एक रिकमेंडेशन सुधीर कमीशन में है और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट से ये कोशिश की करनी चाहिए कि गवर्नमेंट बीइंग इलेक्टेड गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के उसके जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें पुलिस भी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है इन सब को गवर्नमेंट की चाल ऐसी होनी चाहिए कि अमन और शांति रहे ये बहुत बड़ी बात सुधीर कमीशन ने कही कि अमन और शांति सोसाइटी में भाईचारा हो मिल बैठ कर लोग काम करें और ऐसा माहौल हो जहाँ पर ग्रोथ हो ये सुधीर कमीशन की रिकमेंडेशन है बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है और गवर्नमेंट फिर और एक ख़ास बात कहती है वो ये कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का कमीशन फॉर्म होना चाहिए तेलंगाना में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो गवर्नमेंट सुधीर कमीशन ये कहता है रिकमेंड करता है तेलंगाना गवर्नमेंट KCR की गवर्नमेंट को कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिठाना चाहिए अब तक हिंदुस्तान में इप्पुड़ वरकु दे अक्रॉस इंडिया कोई स्टेट में इक्वल अपॉर्चुनिटी का कमीशन नहीं है तो सुधीर कमीशन ये कहता है कि भाई आप हिंदुस्तान के पहले स्टेट बन जाओ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को कायम करो
और दूसरा जो है जैसा एससी एसटी का सब प्लान का पहले प्रावधान था तेलंगाना आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट में एससी एसटी का एक अलोकेशन होता था सब प्लान का, उस किस्म के प्लान की रिकमेंडेशन भी सुधीर कमीशन करती है इस गवर्नमेंट से कि वो कोई ऐसा प्लान बनाए जिसमें मुसलमानों के मसले, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के जो मसले हैं उन मसलों को हल किया जाए, वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये बीसी कमीशन को इन्होंने कहा कि बीसी कमीशन, जैसे ख्वाजा साहब ने अभी कहा कि वहाँ पर सबकी सुनवाई हुई और पब्लिक ओपिनियन किस तरीके का है इस रिजर्वेशन के ताल्लुक से, उस पर भी गवर्नमेंट कॉशियसली बात करने की कोशिश कर रही है, वो एक कमीशन की रिपोर्ट उसकी भी है। और एक और ख़ास बात इन्होंने की कि वक्त की प्रॉपर्टी, वक्त मुसलमानों का एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट हज़ारों लोगों का जो सरमाया जमा होकर वक्त की प्रॉपर्टी बनकर है, उसमें सुधीर कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया कि वक्त गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट शुड फॉर्म ए कमीशन टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ वक्फ। ये बहुत ज़बरदस्त बात इन्होंने दी है। हम समझते हैं कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट को यह गवर्नमेंट बगैर किसी मैनिपुलेशन के उसको विथ ऑल सिंसियरिटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन इस बात को, इस पर चर्चा करने के लिए, ये सारी बात को कहने के लिए 16 तारीख को मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली में कोदंडरा साहब की सदारत में एक बहुत बड़ा डिस्कशन पैनल बैठने वाला है, जिसमें सारी रुख की बातें आएगी और जिम्मेदार लोग, समझदार लोग बैठकर उस पर बात करेंगे। और एक ख़ास बात यह है कि योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो ख़ास तौर पर आएंगे, आकर एक बहुत विस्तार से मुस्लिम कम्युनिटी के जो इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर एक बहुत ये डायनेमिक लेक्चर होगा, जिसमें समझ में आएगा कि क्या मसले हैं मुसलमानों के जिसमें उन लोगों को राहत की ज़रूरत है। ये हम अपील कर दाद में आज मीडिया यहाँ पर कोदंडराम जी के और KTJCA के इनविटेशन पर यहाँ पर आई। ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा मसला हिंदुस्तान का और ख़ास तौर पर इस खित्ते का, तेलंगाना का, जो छोटा स्टेट है जहाँ की तारीख रही है कि यहाँ पर एफ्यूलेंट स्टेट होने के बावजूद हम जो है पिछड़ गए। होना तो ये चाहिए कि हर शहरी को, हिंदुस्तान का हर शहरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी तबके का हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जब सिटीज़न कहलाता है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए इकोनॉमिक और सोशल। ये हमारी बात है और हम समझते हैं कि आप लोग अपने पेपर्स के ज़रिए, अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए इस बात को आम करेंगे कि आवाम में, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो एफ्यूलियंट है, जिनको ये मुश्किलें नहीं है, जो मुश्किलें हम बात कर रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, परेशानी, एजुकेशन नहीं है, बैकवर्डनेस, हर किस्म की जो डिसएडवांटेजेस हैं, उन डिसएडवांटेज लोगों के साथ सेंटिसाइज होकर उनको जो है आगे बढ़ने के मौके गवर्नमेंट को देना चाहिए, हम कहना चाहते हैं।